सत्र प्रारंभ होने पर बेसिक शिक्षा परिवार को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पता में सुधार हुआ है और बेसिक शिक्षा परिषद ही स्कूल जनपद के सभी शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और बच्चों। सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सह संपादक सरिता पाल। खबरों से बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें tehalka.in पर। आप है मऊ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी जी। नया शैक्षिक सत्र आज से शुरू हो गया है, आप अधीनस्थ अधिकारियों, शिक्षकों और अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने पर बेसिक शिक्षा परिवार को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस नए शैक्षिक सत्र में पूरे जोश के साथ अपने बेसिक शिक्षा को बुलंदियों पर ले जाएंगे और नए शैक्षिक सत्र में मैं अनुरोध करूंगा, अपील भी करूंगा बेसिक शिक्षा परिवार से कि वो समय से स्कूल पर जाएं और स्कूल का संचालन करें और पूरे गुणवत्ता के साथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करें और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। पिछले शैक्षिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि दिखाई दे रही है, ये कैसे हुआ है? इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं बेसिक शिक्षा परिवार को देना चाहूँगा। शिक्षकों की कड़ी मेहनत रही और उन लोगों ने मिशन पहचान को अपनी पहचान से जोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ लोगों ने कदम से कदम मिला के चला। इस नाते मऊ के बेसिक शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखा और गुणवत्ता में एक सकारात्मक सुधार दिखाई पड़ा। आप हैं मऊ जनपद के लोकप्रिय प्राथमिक विद्यालय कैया के प्रधानाध्यापक अंजनी सिंह जी। सर, आज से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया, आप शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज चैनल तहलका न्यूज के माध्यम से जनपद के सभी शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और बच्चों को नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं जनपद के समस्त शिक्षकों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, निष्ठा, समर्पण के साथ जनपद के नौनिहालों को उच्च शिक्षा देने का प्रयास करें, जैसा कि समाज हमसे अपेक्षा करता है। पुराने शैक्षिक सत्र में सुधार दृष्टिगोचर होते हैं, ये सुधार कैसे हुआ है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जनपद में पहली बार मेरे 13 साल के सेवा काल में एक ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिले हैं जो पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले यही विषय गौण रहता था। अन्य विषयों पर तो चर्चा होती थी लेकिन गुणवत्ता की बात, शिक्षा की बात नहीं होती थी। लेकिन जनपद में पहली बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ओपी त्रिपाठी के आने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है और शिक्षक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और नौनिहालों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कारण से जनपद का नाम पूरे प्रदेश में रोशन भी हो रहा है। हम शिक्षक पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। आप हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ के जिला अध्यक्ष कृष्णानंद राय जी। सर, आज से नया शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई है, आप शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने शिक्षक भाई बहनों को और सभी विद्यालय परिवार और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों, कर्मचारियों को नए सत्र की बधाई देना चाहूँगा। और पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ओपी त्रिपाठी के प्रयासों से और शिक्षकों के कठिन परिश्रम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है और बेसिक शिक्षा परिषद ही स्कूलों के प्रति जो है लोगों का रुझान बदला है और बच्चों का नामांकन बढ़ा है। तो भी मैं यही उम्मीद करता हूँ
कि हमारे शिक्षक भाई बहन कड़ी मेहनत के साथ इस बेसिक शिक्षा विद्यालयों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे, यही हमारी कामना है। एक बार फिर सबको शुभकामना देते हुए मैं सबके अच्छे के लिए कामना करता हूँ। नमस्कार भाई और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज पे बहुत 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 स्वागत है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।